क्लास ट्वेल्थ के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको केमिस्ट्री का एक ऐसा पेपर बताऊंगा जो कि आपको नंबरों की बौछार करेगा 21 फरवरी के दिन आप पर, ठीक है। आप तो घबराइए मत, बढ़िया से तैयारी करिएगा अच्छे से। यहाँ से अपन देखेंगे सेल स्थिरांक है तो यहाँ पर एल बटा ए आ जाएगा। रेसिम विधि निम्न में से प्रयुक्त हो जाती, क्लोरोबेंजीन। आहरणीय समीकरण का आधा ऑप्शन राइट रहेगा। रासायनिक अभिक्रिया की दर निर्भर करती है तो सक्रिय द्रव्यमान पर। यहाँ से दो आ जाएगा, एल्कोहल सोडियम से क्रिया करके क्या बनाता है, और ये आपका पहला ऑप्शन का, ठीक है, ये बी रहेगा, है ना। यहाँ पर गलत ऑप्शन है टिक मार्क में, ये आपका बी रहेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका दूसरा रहेगा यहाँ से, ठीक है, ये तीसरा, चौथा है, पाँचवा, छठा आपका रहेगा, हो गया भैया। क्लोरोफार्म को खुला छोड़ने पर बनने वाला हानिकारक उत्पाद का उत्पादन का जो सूत्र है वो है COCl2। ये क्या थोड़ा छोटा कर देते हैं ना, ठीक है, ये यहाँ से एक फेराडे विद्युत का जो मान है वो आ जाएगा 96,500 कूलम। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोलरता कहलाती है। लोहे पर जंग लगना विद्युत रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अभिक्रिया की जो दर है अभिकारक के सांद्रण के समानुपाती होती है। कार्बिल एमिन परीक्षण केवल प्राथमिक एमिन देते हैं, हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से अपन ये फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे, ठीक है भैया, ये हो जाएगा बढ़िया से। ये सही जोड़ी है आपकी, एस्पिरिन का जाएगा आपका 2-acetoxybenzoic अम्ल, स्प्रिट ऑफ वाइन इसका जाएगा एथिल एल्कोहल, ROH का आ जाएगा आपका यहाँ पर ईथर, एंडोनोन का आ जाएगा यहाँ से कीटोन, और क्लोरिटियोन का आ जाएगा हिप्रोटिक ओस्टी। ये यहाँ से आपका कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सिंजिन डाई एंजोनियम क्लोराइड का सूत्र क्या है, तो C6H5N2Cl। आहरणीय समीकरण, ठीक है, तो ये अपन लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर यदि अपन चौथे की बात करें इसमें एथिलीन आ जाएगा आपका, भर देता हूँ ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत नहीं आएगी, और यहाँ पर लोरर कास्टिक किसे कहते हैं, हो गया। चलिए अगला देखते हैं, सत्य और असत्य है, तो पहला जो है वो सत्य आपका रहेगा, दूसरे का थोड़ा सा डाउट इसलिए आप इसको ढूंढ के कर लेना है, तीसरा सत्य रहेगा, चौथा, पांचवा और यहाँ पर छठा सत्य रहेगा, ठीक है भैया, ये हो गया है। इसके बाद में यहाँ से अपना हमारे बच्चे को बढ़िया से कंप्लीट करेंगे, ये हो गया इतना। ये यहाँ पर है, वांड हाफ घटक को निर्धारित करने वाला सूत्र क्या है, फार्मलता करके जाना भैया, है ना, बढ़िया से कह रहा हूँ मैं, इन्हीं में से फंसेगा बिल्कुल। फार्मलता की परिभाषा सूत्र लिखना है। गैल्वेनीकरण क्या है समझाइए। विद्युत रासायनिक सेल की परिभाषा आपको देनी है। विशिष्ट चालकता क्या है इसकी इकाई बताइए। छदम एकानुक अभिक्रिया को उदाहरण सहित रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। लिगेंड से आप क्या समझते हैं उदाहरण देकर समझाना है। किलेट किसे कहते हैं, ठीक है, उदाहरण देकर समझाना है। यहां से देखिएगा IUPAC नाम बताना है इनके। फैलिंग विलयन को, फैलिंग विलयन जो है उसको अभिक्रिया को, फैलिंग अभिक्रिया को समीकरण से समझाना है। कीटोन एल्डिहाइड से कम क्रियाशील होते हैं क्यों। सिमट अभिक्रिया को समझाइए, हो गया इतना। एथिल एमिन एनिलिन से अधिक क्षारी है क्यों, हो गया इतना। मोललता और मोलरता दोनों में अंतर बताने हैं कोई तीन। सिद्ध कीजिए कि किसी विलयन का आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन विलयन के, ये आएगा 100%, है ना, विलयन के में उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, राउल्ट का नियम, ठीक है। अभिक्रिया की दर तथा दर स्थिरांक में अंतर आपको बताना है। शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक का व्यंजक लेंथेनाइट
संकुचन क्या है, लेंटेनाइट संकुचन के प्रभाव क्या होंगे, यहाँ से अपन बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है भैया। संक्रमण धातु या आसानी से मिश्र धातु क्यों बना लेती है, और Fe2 धनायन की त्रिज्या Mn2 धनायन से आयनन से कम होती है क्यों, ये हो गया इतना। चलिए इसके बाद में फिनोल और एल्कोहल में अंतर बताइएगा, ठीक है ये यहाँ तक हो गया इतना। हुंसीडीकरण विधि को संक्षिप्त टिप्पणी देना है, सैंडमेयर अभिक्रिया को उदाहरण से समझाना है, ये यहाँ से आपको देख सकते हैं। टोलेन अभिकर्मक हो गया भैया।